नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिरा। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रही अपना दल कामेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल के सुर अब बदलते दिख रहे हैं। पल्लवी पटेल ने हाल ही में मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी बात कही जिसके बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। जरा सुनिए। अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमी तक और जमी से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रमाणिक रूप से हमने काम कर दिया, तो विश्वास मानिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है, उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पल्लवी पटेल ने प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। पल्लवी पटेल ने कहा कि अपना दल कामेरावादी के 29वें स्थापना दिवस पर हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, दो दलों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। पल्लवी पटेल ने आगे कहा, अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से काम हमने कर दिया, तो विश्वास मानिए कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है, उस नारे को स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। पल्लवी पटेल ने इस बयान से जो है उनके बयान से साफ जाहिर हो गया है कि सपा अध्यक्ष से नाराजगी को भूलकर अब वो आगे बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल फूलपुर सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाई जा सकती है। ये सीट उनके पिता सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि रही है, वो कई बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी से नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया है। यही नहीं, राज्यसभा के लिए वोटिंग के दिन भी उनकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर जमकर बहस हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी पल्लवी पटेल ने सपा के रामजी लाल सुमन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तल्खी कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पल्लवी पटेल को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल फाइट के साथ।